हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो का टॉपिक अपना कि अपना पीएसएट एग्जाम हो चुका हैगा, हुन आप मास्टर कैडर लिए किस तरह प्रिपेयर करिए। जिस तरह सुनो पता है हुन पीएसएट का एग्जाम हो चुका हैगा, तो उस एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बढ़िया मार्क्स आ चुके होंगे, बिकॉज उन्होंने आंसर की मैच कर लिया होनी। जिन्होंने भी स्टूडेंट्स से बढ़िया मार्क्स आए ने गे, तो हूँ अपनी मास्टर कैडर की प्रैपरेशन करनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मास्टर कैडर की प्रैपरेशन अज तो ही तुम स्टार्ट कर देने, कोई भी गैप नहीं पाना, बिकॉज पी एस एट क्लीयर करने का अल्टीमेट गोल की होंगे अपना गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर की जॉब। गवर्नमेंट टीचर की जॉब आप किस थ्रू ले सकते हैं, मास्टर कैडर के थ्रू ही ले सकते हैं। तो पी एस एट क्लीयर करना ता ही फायदा है जो आप मास्टर कैडर से वधिया स्कोर कर पावे। तो मास्टर कैडर की प्रैपरेशन तो पी एस एट की प्रैपरेशन बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है वो मैं तुम समझाऊंगा। पी एस एट अपना सिर्फ एक क्वालीफाइंग एग्जाम है, जिस अपने 90 मार्क्स लेने होंगे ने, बट जो मास्टर कैडर होंगे वो कॉम्पीटिशन बेस एग्जाम है, उस मैरिट बनती है, उस स्टूडेंट्स कंपीट होंगे, तो उसका लैवल थोड़ा जहा अप होंगे, बिकॉज पी एस एट एग्जाम बहुत ही घट टाइम से भी आप क्लीयर कर सदेंगे। बट जो मास्टर कैडर का एग्जाम है उस प्रोपर एटलीस्ट 6 मंथ की प्रैपरेशन तो चाहिए होंगी, कोई भी सब्जेक्ट हो 6 मंथ की मिनिमम प्रैपरेशन चाहिए होंगी, वो भी रैगूलर। ठीक है, 6 मंथ की रैगूलर प्रैपरेशन ही अपना मास्टर कैडर जो क्लीयर होंगे। हूँ किस तरह आप मास्टर कैडर लिए प्रिपेयर करेंगे, मैं जनरली सूँ साइंस से मैथमैटिक्स की गल कराँगा, बिकॉज इसी सब्जैक्ट्स में मैं रिलेटड हाँ, तो काफ़ी टाइम तो इसी सब्जैक्ट्स में मैं पढ़ा रहा। हूँ देखो आप साइंस से मैथ की गल कराँगे, जनरली मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही टीच कर दाँगा। तो अबाउट माई सैल्फ बरजे सिंगला, आई हैव डन माई एम एस सी इन केमिस्ट्री फ्रॉम NIT जलंधर। सी एस आई नैट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 सीगा, तो केमिस्ट्री की फील्ड के जिन्हें भी एग्जाम्स ने, हायर एग्जाम्स ने, वो सब मैंने क्वालीफाई किए ने गए। तो मैं मास्टर कैडर लिए काफ़ी टाइम तो टीच कर रहा केमिस्ट्री सब्जैक्ट में। हूँ देखो अपने को साइंस से मैथमैटिक्स दो पेपर होंगे, दो अलग अलग पेपर होंगे ने गे। जनरली इन्हें पोस्ट साइंस मैथ की पोस्ट बाकी सब्जैक्ट से कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे ने, बट इस बार चांस घट ने गए कि ज़्यादा पोस्ट हो, इस बार थोड़े जी घट पोस्ट के चांस ने गए, बिकॉज काफ़ी सारी वैकेंसीज साइंस से मैथमैटिक्स दिया फिल हो चुके हैं। हूँ देखो मैथमैटिक्स की होंगे अपने को, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, तो 150 क्वेश्चन हो गए, तो 150 क्वेश्चन अपन टारगेट करके चलना होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, साइंस भी 150 क्वेश्चन होंगे, बट दोहां च डिफरेंस की हैगा, जिहड़ा साइंस का पेपर होंगे इस अपने को 5 सब्जैक्ट्स होंगे ने। साइंस के पेपर च 5 सब्जैक्ट्स होंगे ने, 5 सब्जैक्ट कि होंगे ने, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथमैटिक्स, तो अपने दो बायोलॉजी के सब्जैक्ट्स होंगे ने, एक होंगे बॉटनी, तो एक होंगे अपने को जोलॉजी। ठीक है, ये अपने को 5 सब्जैक्ट्स होंगे ने, हर एक सब्जैक्ट के अपन 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक सब्जैक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, इसके 50 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 50, इसके भी 50। ठीक है, इन्हां 5 सब्जैक्ट्स अपने कोई भी 3 सब्जैक्ट्स, ठीक है, एनी 3 सब्जैक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, एनी 3 सब्जैक्ट्स। ये चीज़ मैटर नहीं करती तुम मैडिकल वाले हो या नॉन मैडिकल वाले, कुछ मैडिकल वाले लगता कि वो सिर्फ केमिस्ट्री बॉटनी तो जोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं है, मैडिकल वाले भी कोई भी सब्जैक्ट चूज कर सकते हैं, नॉन मैडिकल वाले भी कोई भी सब्जैक्ट चूज कर सकते हैं, मतलब 5 के अंदर तुम 3 सब्जैक्ट चूज करने हैं, कोई भी कर सकते हो। थोड़ी पुरानी स्टडी मैटर नहीं करती तुम मैडिकल की है नॉन मैडिकल की है, तुम ये 5 सब्जैक्ट के अंदरों कोई भी 3 सब्जैक्ट चूज कर सकते हो, तो 150 मार्क्स का की बनेगा पेपर बनेगा। पहले ही डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे कि उन्होंने लगता कि वो मैडिकल देने, तो वो उन्होंने केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी लेनी है, या कुछ स्टूडेंट नॉन मैडिकल देने उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेनी है। बट देखो पूरे अपने को दो केस आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स ऑप्ट नहीं करते बिकॉज फिजिक्स टफ आ जाती है, तो उन्हें जगह बायोलॉजी या बॉटनी या जोलॉजी जो सब्जैक्ट चूज कर लेंगे नॉन मैडिकल वाले स्टूडेंट्स, तो उन्होंने अपनी पर्सनल चॉइस होएगी। बट जो सब्जैक्ट पहला पढ़े ने एक बार, ठीक है, उसमें ईजली समझ आ जाते हैं, इसलिए नॉन मैडिकल वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमैटिक्स ईजली समझ पाएंगे। बट इस तरह यह मतलब नहीं है कि उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लेना है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो जोलॉजी बैटर कर सकते हैं तो जोलॉजी भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का सिंपल जहा मीनिंग है, तुम कोई भी 3 सब्जैक्ट चूज कर सकते हो आउट ऑफ 5 सब्जैक्ट। ठीक है, एनी 3 सब्जैक्ट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जैक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम। ठीक है, तुम कि भी स्ट्रीम चूज़ की हो, ठीक है, डिपेंड मैटर नहीं करती, तुम कोई भी 3 सब्जैक्ट चूज कर सकते हो। सब तो पहला डाउट जो स्टूडेंट से मन होंगे वो क्लीयर हो चुके होना, हूँ बाकी थोड़े डिपेंड करता है। हूँ अपने प्रैपरेशन किस तरह करनी है, हूँ मैं जनरली साइंस की ही गल कराँगा, बिकॉज साइंस मैं केमिस्ट्री टीच कर दाँगा, तो केमिस्ट्री लिए किस तरह प्रिपेयर करेंगे, बाकी सब्जैक्ट्स लिए किस तरह प्रिपेयर करेंगे उसमें मैं दस दाँगा।
हूँ देखो जो अपने को मास्टर कैडर का एग्जाम है वो किड़े किड़ी ईयर च होएगा, मास्टर कैडर किड़े किड़े ईयर च होया अपने को, एक बार 2016 च होया सी, 2017 च, 2020 च, 2021 च, ते 2022 च, ठीक है। पांच बार अपने को एग्जाम हो चुका है, ठीक है। 2021 का बैकलॉग का एग्जाम से जिस 2000 के अराउंड पोस्टा सी, ठीक है। सब तो ज़्यादा पोस्ट आई हैं 2016 के अंदर, 60 पोस्टा, ठीक है, 60 पोस्टा, मतलब बहुत ज़्यादा गिनती पोस्ट आई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हो गए सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो यह पांच एग्जाम्स आ चुके ने गे, ठीक है, पांच एग्जाम्स आ चुके ने गे। तो अपने को जे मैं एक सब्जेक्ट की गल करा 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल किन्ने क्वेश्चन बन गए अपने को, 50 × 5 250 क्वेश्चन, ठीक है, 250 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, ठीक है। प्रीवियस ईयर की गल कर रहेगा 250, इस 25 होर ऐड कर लो, बिकॉज जो 2017 का पेपर होया सीगा उस 75 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, पर सब्जेक्ट 75 क्वेश्चन आए थे। उदो अपने सिर्फ दो ही सब्जेक्ट चूज करने से, तो उदो 75 क्वेश्चन आए सिर्फ 2017 के अंदर। तो टोटल अपने को पर सब्जेक्ट 275 क्वेश्चन हो गए एक सब्जेक्ट के, मतलब हूँ जो तुम प्रीवियस ईयर करन चलोगे केमिस्ट्री सपोज करो, तो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें किन्ने मिल जाएंगे, 275 क्वेश्चन। तो 275 क्वेश्चन के डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिस चैनल तुम वीडियो देख रहे हो उस यूट्यूब चैनल तुम्हें डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे 275 क्वेश्चन से। चलो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, होर कि अपना पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की गल करूँगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स लिए भी वो एप्लीकेबल होएगा। हूँ जिस तरह केमिस्ट्री च पंजाब लैक्चरर कैडर का एग्जाम होंगे, केमिस्ट्री च पंजाब लैक्चरर कैडर का एग्जाम होंगे, तो यह देखा गया कि काफ़ी सारे लैक्चरर कैडर के एग्जाम के जो क्वेश्चन ने गए वह मास्टर कैडर के अंदर रिपीट कर देते हैं, मतलब अपने वो वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हैं। हूँ लैक्चरर कैडर के कि एग्जाम हुए अपने को, 2016 च लैक्चरर कैडर का होया सीगा, 2021 के अंदर होया सीगा। उस तो अलावा एक मैरिटोरियस लैक्चरर का पेपर होंगे गा, तो उस अपने को 2018 च होया सी, एक 2022 च होया सीगा। तो अपने को टोटल किन्ने पेपर हो गए, 4 पेपर हो गए केमिस्ट्री के, 4 फिजिक्स के, 4 मैथ के। तो एक सब्जेक्ट के अंदर अपने को लैक्चरर कैडर से 150 क्वेश्चन होंगे ने, तो 150 × 4 600 क्वेश्चन। तो अपने को टोटल किन्ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है प्रीवियस ईयर तो ही, टोटल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस ने गए 275 + 600 दैट इज 875 क्वेश्चन अपने की हुए ने प्रैक्टिस हुए हैं, ठीक है। 875 क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब है कि सुनो वो सारे क्वेश्चन के कॉन्सैप्ट पता ने गए तो किस तरह अप्रोच करते हैं, ठीक है। लैक्चरर कैडर के क्वेश्चन करने की बेनीफिट होएगा, देखो जिस तरह सूँ पता मास्टर कैडर 2022 ग्रैजुएशन वाल ज़्यादा हो गया सी, ते ग्रैजुएशन के टॉपिक्स काफ़ी सारे ऐसे, जो आप लैक्चरर कैडर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने ग्रैजुएशन वाले टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। लैक्चरर कैडर के हाल मैं सोल्यूशन नहीं पाए है, बट अपकमिंग डेज से भी मैं यूट्यूब चैनल थोड़े न कवर कर दाँगा, ठीक है ना। तो यह पूरी एनालिसिस होंगी है जी मैं कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स भी यह एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो यह 875 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगे, इन्हों के जो कॉन्सैप्ट समझ आ गए इट मीनस केमिस्ट्री बहुत वधिया आ गई, ठीक है। 875 क्वेश्चन का मतलब यही नहीं है कि आप रट ले क्वेश्चन रटने ही नहीं है, अपने उन्होंने कॉन्सैप्ट समझने। आई होप सूँ पहला डाउट क्लीयर हो चुका होगा साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड, तो उन्होंने क्वेश्चन बेस्ट प्रैक्टिस कितों कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार तो यूट्यूब चैनल पर मेरी डेफिनेटली वीडियो सोल्यूशन देख लियो, उस पता चल जाएगा एग्जाम किस लैवल का होंगे गा, तो किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन से। उस तो बाद जो सब तो मेन चीज़ होंगी है प्रैपरेशन कर ली, वो होंगी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, या क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग किस तरह करनी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ली, ठीक है। अपने हर एक चैप्टर लेना है उससे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेने, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कवर करने ने गए। जो आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कवर करेंगे तो अपने कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है। अपने 11th 12th भी चंगी तरह करनी है, 11th 12th भी चंगी तरह करनी है, तो ग्रैजुएशन के टॉपिक्स भी कंप्लीटली करने है, ठीक है। ग्रैजुएशन के टॉपिक्स भी कंप्लीटली करने है, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी, बाकी सारे सब्जेक्ट भी जो थोड़े सिलेबस मैनशन है, तो एक बार सिलेबस में तुम चंगी तरह देख लेना है, ठीक। सिलेबस कुछ भी वैल ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो डिस्कस कर रखी है, उस मैंने डिटेल सिलेबस डिस्कस कर रखा है, वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, बिकॉज जो सिलेबस बोर्ड ने दे रखा वो पूरा स्पेसीफाई नहीं है, उस सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं। इट मीनस आपको सिलेबस में प्रॉपरली देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री का मैं डिटेल सिलेबस करवा रखा है, वो तुम एक बार डेफिनेटली देख लियो। उस तो बाद स्टूडेंट्स जी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि यह एग्जाम एक महीने पढ़ के क्लीयर करने वाला नहीं है, पी एस टेट की तरह नहीं है यह एग्जाम, यह बहुत ही हाई लैवल का एग्जाम होंगे गा, ठीक है। हाई लैवल का इन द सेंस के थोड़ा टाइम मंगता है, ठीक है ना। तो 6 months की प्रैपरेशन तो रिक्वायर होंगी है। हूँ आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स की करते हैं, मैं तुम्हें दस दाँगा।
कुछ स्टूडेंट सिर्फ मैथमेटिक्स की प्रैपरेशन करते हैं, साइंस की प्रैपरेशन ही नहीं करते, उन्होंने लगता है कि वो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट करके ही सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने एक गल दसो, जो अपन दो ऑपरचुनिटीज मिल रही ने कि आप साइंस भी टीचर लग सकते, मैथ भी, अपन दो ही पेपर की प्रैपरेशन करा, बेनीफिट की होएगा? जो तुम मैथ की प्रैपरेशन एक सब्जेक्ट की प्रैपरेशन करोगे, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट ना थोड़ा एक सब्जेक्ट ही कवर होएगा, बट जो साइंस की नाल प्रैपरेशन कर लोगे तो थोड़ा दो दो चांस मिल जाएंगे, मतलब अपने को दो चांस मिल जाते हैं जो आप दोह सब्जेक्ट्स की प्रैपरेशन करिए। हूँ देखो जो तुम 150 क्वेश्चन मैथमैटिक्स की प्रैक्टिस करोगे कल, तो थोड़े जो उरे 50 क्वेश्चन ये तो ऑटोमैटिकली कवर हो जाने, मतलब जो तुम मैथमैटिक्स कल की तैयारी करते हो तो साइंस से थोड़े 50 क्वेश्चन तो रेडी हो गए, ये साइंस के 50 क्वेश्चन तो रेडी हो ही गए 150 क्वेश्चन नाल। तो साइंस की प्रैपरेशन करनी जरूरी क्यों, क्योंकि साइंस की कट ऑफ बहुत घट जाती है, साइंस की कट ऑफ जनरली घट जाती है मैथमैटिक्स में, साइंस की कट ऑफ जाती है अराउंड 90 मार्क्स, जनरल कैटेगरी की गल कर रहा मैं, तो 90 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ जाती है हर साल, ठीक है, कोई फिक्स नहीं हैगी, डिपेंडिंग अपॉन द लैवल ऑफ द एग्जाम, ठीक है, यही होंगी साइंस की कट ऑफ। तो जो आप गल करिए मैथ की कट ऑफ, ठीक है, अराउंड 110 तो लेके 120 तक वेरी करती है, ठीक है, क्यों इस तरह क्यों होंगे, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट मैथ की प्रैपरेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बट इस तरह नहीं करना चाहिए, अपन दोनों सब्जेक्ट्स की प्रैपरेशन करनी है। हाँ, इस तरह हो सकता है जिस तरह तुम 3 घंटे मैथ पढ़ रहे हो डेली, तो 1 घंटा 1.5 घंटा आप केमिस्ट्री पढ़ लिए, 1.5 घंटा फिजिक्स में पढ़ लिए, मतलब जोड़े भी थोड़े 3 सब्जेक्ट्स ने, बाकी सब्जेक्ट से आप कर सदेंगे घट टाइम दे सकते हैं, बट टाइम जरूर देना, ठीक है, 6 आवर मिनिमम स्टडी डेली रिक्वायर होंगी है, 6 आवर स्टडी, ठीक है ना, मास्टर कैटरली जो पहली बार क्लीयर करना है 6 आवर स्टडीज का कंपलसरी है, ठीक है ना, इस तो घट देना नहीं चलेगा, ठीक है, 6 आवर मिनिमम चाहिए ने 6 मंथ्स लिए। हूँ कुछ स्टूडेंट्स डाउट होगा पोस्टा कदों होंगे, तो पोस्टा जो चांस ने, ठीक है, हले तो कोई चांस नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, तो पोस्टा जो आने चांस ने वह दिसंबर के एंड तक चांस ने, ठीक है, दिसंबर या नवंबर एंड तक, बिकॉज नैक्सट ईयर की ने अपने लोग सभा के इलैक्शन ने, इलैक्शन तो पहला वेकेंसीज आ ही जाते हैं जनरली, ठीक है ना, तो नवंबर दिसंबर तक आप एक्सपैक्ट कर सकते हैं नैक्सट मास्टर कैडर, ठीक है, तो बट उसकी प्रैपरेशन अपने हूँ तो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना, प्रॉपर वे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जी ध्यान रखने ने, टेस्ट सीरीज जरूर अटैम्प्ट करनी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज किस तो मर्जी लो बट टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट जरूर करनी है। टेस्ट सीरीज का बेनीफिट की होंगे अपने को, टेस्ट सीरीज ना अपने को टाइम बाउंड की होंगे ने, प्रैक्टिस होंगे क्वेश्चन, हूँ अपने को एग्जाम अंदर 150 क्वेश्चन आने, ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, ठीक है, काफ़ी घट टाइम होंगे गा देखा जाए, इसलिए अपने प्रैक्टिस भी उस हिसाब से करनी है, फास्ट प्रैक्टिस, ठीक है, किसी क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं देना, आप हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सपोज करो, ठीक है, जो उससे लगाई 2-3 मिनट देते तो अपने लिए उल्टा नैगेटिव पॉइंट ही है, ठीक है ना, तो एक मिनिमम टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे ने, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज थ्रू ही हो सकता है, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइयो, जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री लिए मेरी टेस्ट सीरीज चूज कर सकते होंगे, बिकॉज उस मैं 50+ टेस्ट लेना हूँ, ठीक है ना, सो मैं पूरा बैच का भी दसूँगा किस तरह मैं केमिस्ट्री बैच ट्रीट कर दाँगा, तो किस तरह अफोर्डेबल फीस से पढ़ाया जाता पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस। उस तो बाद जोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ने, ठीक, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है, इस तरह नहीं है कि एक दिन आप पढ़ ले 12 घंटे तो 2-3 दिन जमी नहीं पढ़े, ठीक है, कंटिन्यूटी 6 आवर इनफ होंगे ने, 6 आवर तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं हैगी, बट कंटिन्यूसली पढ़ना, ठीक है ना, 6 मंथ ना, एक बार जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, बिकॉज जोड़ा PSAT का एग्जाम होंगे सिलेबस, ठीक है, ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग 1/10 ही होंगे, ठीक है, जिन्ना मास्टर कैडर का सिलेबस है उसका 1/10 सिलेबस ही है PSAT का, तो इसलिए लेवल का डिफरेंस है, बिकॉज हम पंजाब च अपने को लखा स्टूडेंट्स PSAT के एग्जाम क्लीयर ने गए, बट वो मास्टर कैडर नहीं क्लीयर कर पाते, बिकॉज मास्टर कैडर अलग लैवल की प्रैपरेशन मांगता है, PSAT लिए अलग लैवल की सी, हूँ तुम एक पहला जी स्टेज है कंप्लीट कर लिए PSAT की, हूँ तुम उस तो भी ज़्यादा हार्डवर्क करके मास्टर कैडर की जी पोस्ट लैनी है, तो उसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पैनी है, ठीक है, मास्टर कैडर की पोस्ट लिए ज़्यादा मेहनत करनी पैंती है, ठीक है, हूँ मैं थोड़ा जहा कैटेगरी वाइज भी दस देना, कैटेगरी वाइज साइंस की कट ऑफ किन्नी की जाती होंगी है, ठीक है, कैटेगरी आई, ठीक, एक जनरल कैटेगरी होंगी है, एक जनरल के अंदर ही EWS आ जाएगा, ठीक है, रफ जो कैलकुलेशन लास्ट टाइम बेसिस से मैं दस रहा, उस तो OBC कैटेगरी होंगी है, SCRO होंगी है, तो SC अपने को MB होंगे, ठीक है, 5 कैटेगरीज होंगे ने, उस तो इलावा ये मैं साइंस की गल कर रहा, ठीक है, जो साइंस की कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, ठीक है, कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा है वह अप्रोक्सीमेटली 85 तो लैके 95 तक मान के चलो, ओल्डो 2021 अपने को 86 सी, इस बार अराउंड 86 या 87 ही रहूगी, जो मास्टर ग्रेड 2022 है, बट एक मैं रेंज फिक्स करती, ठीक है, साइंस की, जनरल EWS सिर्फ 3-4 नंबर का फर्क होंगे, तो मन के चल सकते होंगे 82 तो लैके 90 तक
EDWS ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OBC ਦਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ EWS ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 80 to 88 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SCRO, ਠੀਕ ਹੈ, SCRO ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਆਫ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 70 to 80 ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100+ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, SCMB ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ SCMB ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੈਟ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੈਟ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ SCMB ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟ ਉਲਟਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, SCMB ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ SCMB ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, 10-12 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ SCRO 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ SCMB ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ, ਇਹ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਡੈਮੋ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਡੈਮੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫੀਸ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਊਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 50+ ਟੈਸਟ, 5 mock tests, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੀਸ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫੀਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3600 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਉਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਚਲੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, 12,000 ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਟੀਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਹਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, FDWUY, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਘੱਟ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾਗਾ, ਬਟ ਵਟਸਐਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ,
ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਨੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਟ 2016 ਪੇਪਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮੈਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ 48 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਲ 50 ਕੁਸ਼ਚਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਟਾਈਮਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 50 ਮਿੰਟਸ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ 50 ਮਿੰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਾਈਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਾਈਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2022 ਦਾ ਟੈਸਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ PDF ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। PDF ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ PDF ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, 4 ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ ਦਾਂਗਾ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 8 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਸਲਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈਗੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਸਲਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ 50+ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਬੈਚ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੈਚ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਸੇਮ ਵੇ 'ਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ PDF ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 17 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, 19 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੋਗੇ, ਠੀਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਟ 'ਚ ਕੀਤਾ, 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਕ 1 ਹੈਗਾ 2 ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਸ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z ਐਪ, ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਕਲਾਸਪਲਸ ਐਪ, ਅਤੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ 1/4 ਫੀਸ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੋ ਹੀ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ।
तो मेरी ऑब्जरवेशन हो चुकी ने, कुछ इंपोर्टेंट टिप्स मैं तुम्हें दे सदा गा, तो मैंने कॉल भी कर सकते हो जो थोड़ा लगे कि कुछ इंपोर्टेंट थोड़ू पूछना इस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली जे मैं कॉल नहीं पिक करता मैं कॉल बैक कर लाँगा थोनू। तो जे फिर भी कोई किसी स्टूडेंट डाउट है तो कमेंट सैक्शन कर दियो, कमेंट सैक्शन में थोड़ा रिप्लाई कर देंगे। जो कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है तो कमेंट सैक्शन भी पोस्ट कर सकते हो, मैं सारी जो डाउट्स क्लीयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।